नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर मैं हूं गौरव इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यह सेवनटीन्थ वीडियो है अर्थात सत्रहवा वीडियो है सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इससे पहले सोलह वीडियो के माध्यम से हम अभ्यास कर चुके हैं जो कि एक प्ले के माध्यम से एकाक्ष ट्यूटोरियल्स चैनल पर उपलब्ध हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण वीडियो भी प्ले के माध्यम से उपलब्ध हैं उनको भी आप देख सकते हैं और बैंकिंग की तैयारी के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ वीडियो प्ले के माध्यम से चैनल पर उपलब्ध हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा और यह जो प्रश्न है आगामी परीक्षाएं जैसे आर ओ ए आर है 2016 का और जो भी नई परीक्षाएं जहाँ पर सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है महत तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में बारहवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो जो बारहवीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और यह कब हुआ था उन्नीस सौ ईस्वी में 1993 में 1993 में ठीक है तो इसके द्वारा इसको जोड़ा गया और यह आपको पता होना चाहिए कि जो बारहवीं अनुसूची है उसमें क्या प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगर पालिका के आ, का जो स्थानीय शासन होता है स्वशासन होता है उसके जो है संबंध में उसमें उल्लेख किया गया है और इसमें अठारह विषयों का उल्लेख है नगर पालिका के स्थानीय स्वशासन के ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नौवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया तो जो नौवीं सूची है उसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा किसके द्वारा प्रथम यानी कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो है उन्नीस में जो कि हुआ उसके द्वारा जो है नौवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया ये सभी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री प्रशासनिक अधिकरणों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया तो यह किया गया है भाग चौदह का के अंतर्गत ठीक है भाग फोर्टीन ए या का कह सकते हैं आप उसको ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के कितने विषयों का वर्णन किया गया है जिन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है तो जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है ऐसे संतानवे विषयों का जो है उसमें वर्णन किया गया है अर्थात 97 जो है जो विषय है वो ऐसे हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं ठीक है थीके? क्वेश्चन नंबर वंदे मातरम गीत जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको सर्वप्रथम कब गाया गया था तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स और ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ कब था तो ये हुआ था अठारह ईस्वी में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था भारतीय नेशनल कांग्रेस का उसमें इसको गाया गया था ठीक है और इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान की गई क्वेश्चन नंबर सिक्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है प्रावधान किया गया है तो ये अनुच्छेद 21 में किया गया है किसमें अनुच्छेद 21 में चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन अब हिस्ट्री से क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अग्नि का उपयोग करना सीखा तो मनुष्य ने मानव ने नवपाषाण काल में अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग करना सीखा था कब नवपाषाण काल में क्वेश्चन नंबर एट सिंधु सभ्यता के किस स्थल से या किस स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए तो घोड़े के अवशेष सुल कोटा से प्राप्त हुए और यह कहां पर है भारत में गुजरात में स्थित है ठीक है गुजरात में स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है सुल कोटा ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन किस सिंधु सभ्यता स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो वेदिकाओं के जो अग्नि वेदिकाओं के जो प्रमाण है ये कालीबंगा से प्राप्त हुए कहां से कालीबंगा कालीबंगा किस राज्य में राजस्थान में यह भी एक पुरातात्विक स्थल है ओके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टेन लॉर्ड रिपन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किस कमीशन की नियुक्ति की गई हंटर कमीशन की किस कमीशन की हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिए थे ठीक है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे तो इसका आंसर है 1915 ईस्वी में कब लौटे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में क्वेश्चन नंबर 12 किस वायस राय के कायस राय के काल में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया तो अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में और इन्होंने इस प्रस्ताव को जो है वो पेश किया था इसकी घोषणा की थी कब की थी 8 अगस्त 1940 सौ ईस्वी को 8 अगस्त 1940 ईस्वी आपको वर्ष भी इसका याद होना चाहिए किस वर्ष कब ये जो है प्रस्ताव पेश किया गया अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्टीन लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो व्यपगत जो सिद्धांत था इसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने अनेक राज्यों को कुछ राज्य ऐसे थे जिनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था तो इसमें जो पहला राज्य था वो था सतारा सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 ईस्वी में उसके बाद जैतपुर का विलय किया गया था किस राज्य का जैतपुर अठारह ईस्वी में ठीक है और इसके बाद अन्य कुछ राज्यों का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया इस सिद्धांत के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 14 इटली के यात्री निकोलो कोंटी की विजयनगर यात्रा के समय वहां का शासक कौन था अर्थात विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर की जब यात्रा की निकोलो कोंटी ने तो उस समय विजयनगर में शासन कौन कर रहा था तो वहां के शासक थे उस समय देवराय प्रथम देवराय प्रथम अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, घाघरा का युद्ध कब व किन के मध्य लड़ा गया यह महत्वपूर्ण युद्ध है और इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं वो कब हुए हैं और किन के मध्य हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए ठीक है तो घाघरा का युद्ध पंद्रह सो ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध हुआ था और महमूद लोदी कौन था महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था जो कि इब्राहिम लोदी आप जानते हैं कि लोदी वंश का शासक था ठीक है पंद्रह सो ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 मुगल काल में चांदी की मुद्रा रुपया का प्रचलन किसने शुरू किया रुपया नाम से चांदी की जो मुद्रा थी मुगल काल में उसका प्रचलन जो, जो किसने शुरू किया तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था इसका प्रचलन किसने शेरशाह सूरी ने अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 देवराई का युद्ध कब व किन के मध्य लड़ा गया तो देवराई का युद्ध सोलह ईस्वी में लड़ा गया था और यह किन के मध्य लड़ा गया औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य किसके मध्य औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य ओके अगला प्रश्न अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 उलूग खां उलूग खां की उपाधि नासुरुद्दीन महमूद ने किसको प्रदान की थी किसको प्रदान की थी तो इसका सही आंसर है बलबन किसको प्रदान की थी बलबन को प्रदान की थी ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पूसा बोल्ड किस फसल की प्रजाति है पूसा बोल्ड किस फसल की प्रजाति है तो यह है सरसों की प्रजाति किसकी है सरसों की प्रजाति अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पेट्रोल की एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है तो देखिए पेट्रोल की आ, एंटी नॉकिंग दर को जब यदि बढ़ाना होता है तो उसमें पेट्रोल में लेड को मिला देते हैं किसको मिला देते हैं इथाइल लेड को इससे पेट्रोल की एंटी नॉकिंग जो है जो दर है वो बढ़ जाती है अब अगला प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें पूछा गया है कि किस अम्ल की उपस्थिति के कारण मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आ, किस अम्ल की के, के एकत्र होने के कारण जो है मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड एकत्र होने के कारण थकावट महसूस होती है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये टेटरा इथाइलाइट वाला जो प्रश्न है जिसमें पेट्रोल की एंटी नाकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है तो इसका आंसर है टेटा इथाइलाइट ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आप जो है याद रखिएगा ठीक है, है जो भी वाहन पेट्रोल से चलते हैं तो पेट्रोल में यह मिलाया जाता है जिससे कि प्रदूषण थोड़ा कम हो ठीक है प्रदूषण जो है वो कम हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है किंतु हमें महसूस नहीं होता इसका क्या कारण है तो इसका कारण है शरीर का रक्त जो है वो वायुमंडल से कुछ अधिक दबाव डालता है शरीर का जो रक्त है वो वायुमंडल से कुछ अधिक प्रभाव सॉरी दबाव डालता है हमारे आ, आ, शरीर में जो रक्त है वो उसका प्रेशर वायुमंडल के जो प्रेशर होता है उससे कुछ अधिक होता है इसलिए हमें यह जो है महसूस नहीं होता है जबकि जल में यदि आप जैसे जल में किसी नदी में तैरें या तालाब में मतलब जल के अंदर जो प्रेशर होगा वो जल का ज़्यादा महसूस होगा ठीक है जल का प्रेशर शरीर के जो रक्त है उसके प्रेशर से अधिक होगा तो वहाँ पर दबाव महसूस होगा लेकिन वायुमंडल में जो है वो दबाव महसूस नहीं होता ठीक है क्वेश्चन नंबर 23 पदार्थ की किस अवस्था में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव और गैस अवस्था में ही हो सकता है ठोस में यह है जो है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है ठीक है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है याद रखिएगा इसको सोनार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है यह क्वेश्चन नंबर 24 है देखिए सोनार जो है वो जो नौचालक होते हैं नौ संचालक होते हैं वो समुद्र में जो कोई वस्तु यदि डूब गई है तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का जो है प्रयोग किया जाता है इसमें पराश्रव तरंगे जो होती है उनका यूज किया जाता है उनको समुद्र की गहराई में जो है भेजा जाता है जिससे कि वस्तु की स्थिति का पता लगता है कि कोई वस्तु समुद्र में कितनी गहराई में है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है किसका मात्रक है आवेग का महत्वपूर्ण भौतिक राशियां और उनके मात्रक जो है आपको याद होने चाहिए एक प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है ठीक है फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है ठीक है ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन की लगभग 65 परसेंट मात्रा होती है इसके बाद कार्बन की मात्रा होती है सर्वाधिक लगभग 18 से 19 प्रतिशत इसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा होती है लगभग 9 प्रतिशत ठीक है इसके बाद कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन है ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 दूध का दही में परिवर्तन किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है तो दूध का दही में जो परिवर्तन होता है वो आ, जो दूध में लैक्टिक एसिड होता है उसका बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस के नाम से जैसे हम जानते हैं उसके और कैसीन के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है कैसीन आप जानते हैं कि दूध में प्रोटीन जो पाया जाता है उसका क्या नाम होता है कैसीन इसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है कैसा होता है सफेद रंग ठीक है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है तो मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है क्या कहा जाता है जीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ब्लैक हार्ट रोग किस फसल में होता है तो यह आलू की फसल में होता है किसमें होता है यह रोग आलू में क्वेश्चन नंबर थर्टी दीर्घकालीन उपवास के कारण कौन सा रोग होता है तो यदि लंबे समय तक भूखे रहे या कोई व्रत रहे जिसमें हम कुछ ना खाएं तो मजसमस नामक रोग जो है वो हो जाता है ठीक है इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मजसमस नामक रोग हो जाता है तो यह था जो है वीडियो आज का जिसमें कि हमने सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और यह सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं जैसे आर ओ आर ओ दो हज़ार सोलह और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसमें आपके प्रश्नपत्र के सिलेबस में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ठीक है अर्थात सिलेबस में यदि सामान्य अध्ययन का सेक्शन है किसी भी परीक्षा के जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें यदि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाने हैं तो उसकी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्ले बनी हुई हैं बैंकिंग की तैयारी के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों का महत्वपूर्ण अभ्यास करने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए और करेंट अफेयर्स की भी बनी हुई हैं और वन लाइनर क्विज भी जो हमने स्टार्ट की है उसके वीडियोस भी उसमें आपको चैनल पर मिलेंगे ठीक है तो वन लाइनर क्विज़ के माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी को परख सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा वीडियो को शेयर कीजिए यदि पसंद आए आपको और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए धन्यवाद